नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज ट्यूसडे है और आज दिन है रिव्यू ऑन रिक्वेस्ट का। तो अपने एक व्यूअर दीपक बलूनी जी के रिक्वेस्ट पे आज मैं बात करूंगा एक सीरीज़ डॉम के बारे में जो कि आई है अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पे। ये एक ब्राज़ीलियन सीरीज़ है, ओरिजिनली पोर्टुगीज़ में आई थी लेकिन इंग्लिश हिंदी में आप इसको देख सकते हैं, हिंदी में सबटाइटल्स भी हैं। और दोस्तों अपनी बात शुरू करने से पहले दो महत्वपूर्ण बातें आपसे मैं करना चाहूँगा। पहला ये कि यदि आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को, और दूसरी बात ये कि ट्यूसडे का दिन है आपका दिन, यानी आप अगर चाहते हैं कि आपकी पसंद की किसी सीरीज़ या मूवी का मैं रिव्यू करूँ तो कमेंट करके बताइएगा और किसी भी ट्यूसडे को आपकी फरमाइश को शामिल किया जा सकता है। और दोस्तों दीपक बलूनी जी ने ये रिक्वेस्ट जरूर की थी लेकिन मुझे लगता है कि मेरी पुरानी वीडियोज़ इन्होंने शायद नहीं देखी, क्योंकि डॉम का रिव्यू मैं करीब एक साल पहले कर चुका हूं। लेकिन आज उनके कहने पे यहां संक्षेप में थोड़ी थोड़ी बातें मैं इसके बारे में कर लूँगा। तो दोस्तों ये जो कहानी है ये मुख्यतः एक पिता पुत्र की कहानी है। पिता जो है विक्टर, उसने अपनी सारी जिंदगी ड्रग्स के खिलाफ जंग में लगाई है, लेकिन बेटा जो है वो बचपन से ही ड्रग्स की लत में पड़ जाता है और पैसे के लिए चोरी चकारी भी करने लगता है। बेटे का नाम है पेड्रो। और यहाँ जो कहानी हमको दिखाई गई है वो अच्छी है और मुझे लगता है कि इसको ड्रग्स के दुष्प्रभाव वाले नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए कि अगर एक आदमी नशे के दलदल में फंसता है तो वो तो बर्बाद होता ही है, उसका सारा परिवार भी बर्बाद हो जाता है, दुख तकलीफ में घिर जाता है। और दूसरी बात कि जब कोई नशे की शुरुआत करता है तो उसे ये लगता है कि वो तो मज़े के लिए कर रहा है, जब चाहे उसे छोड़ सकता है, लेकिन छोड़ना इतना आसान भी नहीं होता। इस सीरीज़ में पेड्रो खुद 11 बार रिहैब जाता है और हर बार लौट करके जब वो आता है तो फिर उसी दलदल में, उसी गर्त में वो धंसता चला जाता है। और इस सीरीज़ को आप एक पिता पुत्र के नज़रिए से भी देख सकते हैं, जो इनकी बॉन्डिंग है वो अच्छी लगती है। और ये जो बाप बेटे हैं एक दूसरे के बिल्कुल ही उलट हैं, कभी कभी एक दूसरे जैसे भी लगते हैं और ज़्यादातर ये बात नहीं करते, बात करते हैं तो झगड़ते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं इन लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार है। और यहाँ आपको नज़रिए का भी अंतर दिखता है कि जब कोई घटना होती है तो आप एक पिता के नज़रिए से देखते हैं, लेकिन हो सकता है कि जब बेटे के नज़रिए से देखें तो जो चीज़ आपको सही लग रही है वो गलत भी हो सकती है। तो एक अच्छी सीरीज़ है ये और इंगेजिंग सीरीज़ है, इसमें आपको थ्रिल भी है, इसमें आपको हाइस्ट भी दिखता है, इसमें इमोशन भी है। तो अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी है तो देख सकते हैं इसके। और मैंने अभी इसका पहला ही सीज़न देखा है। देखिए पहले सीज़न में आए हैं इसके 8 एपिसोड और ये एपिसोड है करीब घंटे घंटे भर के। और दूसरे सीज़न के भी शुरुआत हो चुकी है, 17 तारीख को 3 एपिसोड आए हैं दूसरे सीज़न के और फिर एक और एपिसोड आया है। तो जब दूसरा सीज़न पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ जो भी कलाकार हैं वो अच्छे लग रहे हैं, अदाकारी अच्छी है, तकनीकी तौर पर यह सीरीज़ अच्छी है। हालाँकि इसमें सेक्स, न्यूडिटी, गाली गलौज, ड्रग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे फैमिली बच्चों को दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों आज इतनी ही बात, अगले ट्यूसडे को रिव्यू ऑन रिक्वेस्ट में किसी और फिल्म या सीरीज के बारे में बात होगी। तब तक आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। शुक्रिया।